नमस्कार दोस्तों, आप कोई भी फ़ोटो या इमेज का साइज को छोटा करना चाहते हो तो आप अपने मोबाइल से खुद से रिसाइज कर सकते हो। तो कैसे हम एक फ़ोटो या इमेज को रिसाइज करेंगे या छोटा करेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ट्रिक बताने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो पहला ट्रिक है, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए, जाने के बाद कंप्रेस इमेज साइज इन के भी इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। तो देखिए मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो इस एप्लीकेशन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इसीलिए ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। तो देखिए ऊपर में लिखा हुआ है कंप्रेस इमेज इन केबी, जो इमेज को हम कंप्रेस करेंगे वो केबी में कन्वर्ट होकर सेव होगा। और नीचे देखिए एक ऑप्शन है कंप्रेस फ़ोटो, इस ऑप्शन पे हम जाएंगे। इस ऑप्शन पे जाने के बाद हमारा फ़ोटो को हम गैलरी से चूज करेंगे। मैं फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ। देखिए इस फोटो का साइज़ 3 MB है, उसको मैं रिसाइज करके दिखाऊँगा। नीचे एक ऑप्शन है रिड्यूस टू फाइल साइज, यहाँ पर एक बॉक्स का ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ तो यहाँ पे आप कितना छोटा करना चाहते हो वो लिखना है। देखिए मैं इस फोटो को मैं 500 के भी करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 500 लिख देता हूँ। ऐसे ही आपको लिखना है, लिखने के बाद स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो कंप्रेस फाइल है या कंप्रेस फ़ोटो है वो आपकी गैलरी में सेफ हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम दूसरा ट्रिक को भी जान लेते हैं। इसीलिए आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सर्च बार में टाइप कीजिए compressnow.com, उसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट लॉगिन हो सकते हो। उसके बाद सर्च कर लेता हूं। सर्च करने के बाद इसी तरह का एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक अपलोड ऑप्शन शो कर रहा है, इस अपलोड ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और फ़ोटो को हम चूज़ कर लेंगे, जिस फ़ोटो को हम रिसाइज करना चाहते हैं इस फोटो को हम चूज़ कर लेंगे। देखिए मैं इस फोटो को रिसाइज करके दिखाऊंगा। इस फोटो का साइज 3 MB है, तो इस फोटो को मैं चूज़ कर लेता हूं। उसके बाद देखिए यहां पे एक इस तरह का ऑप्शन शो कर रहा है, आप यहां पे कितना परसेंट रिसाइज करना चाहते हो, इस ऑप्शन को आपको छोटा करना है या बड़ा करना है। देखिए मैं 45% छोटा करना चाहते हूँ, उसका साइज होगा 124 KB। आप उससे भी बड़ा साइज का फ़ोटो चाहते हो तो इसको आप कम कर दीजिए। देखिए मैं 29% छोटा करूँगा, तो देखिए साइज में बड़ा हो गया, 166 KB यहाँ पे शो कर रहा है। उससे भी आप बड़ा करना चाहते हो तो फिर से इसको कम कर दीजिए, उससे देखिए ये 251 KB हो गया। इसी तरह से आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद देखिए राइट साइड में कंप्रेस का ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। कंप्रेस के ऊपर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, नीचे देखिए यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन शो कर रहा है, तो सिंपली हम डाउनलोड ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा रिसाइज हुआ फाइल डाउनलोड हो जाएगा। अब ये फाइल कहाँ सेफ होगा मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप अपने फाइल मैनेजर में जाइए, उसके बाद इमेज पे जाइए और यहाँ पे देखिए दो फोटो शो कर रहा है। एक फ़ोटो को मैं ऐप के थ्रू रिसाइज किया था और एक फ़ोटो को मैं वेबसाइट के थ्रू रिसाइज किया था, तो यहाँ पे दो फोटो शो कर रहा है और जो मेरा ओरिजिनल फ़ोटो भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों इसी तरह से आप कोई भी फ़ोटो या इमेज को अपने मोबाइल में रिसाइज कर सकते हो। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।